हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लेके जा रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को गोरेगांव, नांडवी टू गोरेगांव। आज का ब्लॉग होने वाला है 7 किलोमीटर। आज हम इस स्कूटी को इलेक्ट्रिक डबल सीट लेके जाने वाले हैं गोरेगांव, अपने ये क्या उसको बोलते हैं 7 किलोमीटर कवर्स करेंगे। अभी हमने 3-4 घंटे को चार्ज कर ली स्कूटी, अभी हम निकलते हैं। सो लेट्स गो। गाइज, हम अभी पुरार फाटा क्रॉस किए, अभी गोरेगांव रास्ते पे लग गए अपने हाईवे पे। आप जैसा कि स्पीड देख पा रहे हैं 40-43 चल रही है, डबल सीट है अपन, बहुत हो गई। गाइस, स्कूटी वालों ने बोला गया है इन्हें ये स्कूटी 50 तक जाती है, लेकिन अभी 40-45 चल रही है, क्योंकि रास्ते ऐसे ऐसे आएंगे अभी चढ़न वाले, जिस पे चढ़ती है क्या ना, वो भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे। डबल सीट है क्योंकि अभी सामने जैसा कि देख पा रहे चढ़न है, लेकिन कैमरे में इतना समझता नहीं है, चढ़ रही है जो कि अपनी 40 की स्पीड मेंटेन रख के 38 ऐसी होके चल रही है, चढ़ रही है ऊपर इन्हें, मतलब अभी खड्डे भी आएंगे आगे। डबल सीट इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनी 7 किलोमीटर चलेंगी आज, ब्लॉग में भी बताएंगे, बहुत दिनों से दिखे नहीं अपन तो। तो गाइज, एक अच्छी बात है, बारिश नहीं है अभी तक, आनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो अपना व्लॉग बंद हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर ये हरकोल फाटा आ गया अभी। तो गाइस, यहाँ पर ये वडौली फाटा है, यहाँ पर से लेफ्ट जाएंगे तो वडौली, सीधा जाएंगे तो अपना गोरेगांव। तो गाइस, यहाँ पर ये गोरेगांव का पुल है, यहाँ पर जैसा कि आप नज़ारे देख सकते हैं, कितने मस्त है, पानी का व्यू जबरदस्त है यहाँ पर, गोरेगांव पुल।
होगा इस गोरेगांव जाते वक्त 7 किलोमीटर और आते वक्त 7 किलोमीटर, ऐसा करके अपनी स्कूटी आज 14 किलोमीटर चलेंगी इन्हें आ जाके नांदवी टू गोरेगांव, फिर गोरेगांव टू नांदवी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक गोरेगांव का ग्राउंड है, यहाँ पर मेला वगैरह भी लगता है। यहाँ पर अभी हम हो रहे हैं एंटर गोरेगांव, अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड में गोरेगांव का तालाब है वो भी बताएंगे। तो गाइस यहाँ पर गोरेगांव का तालाब है लेफ्ट में, जैसा कि आप देख पा रहे गोरेगांव का तालाब। तो गाइस अभी गोरेगांव में भी रास्ते का काम चालू था इन्हें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ा हो गया है रोड, यहाँ पर कंक्रीट रोड है पूरा बनाए है। सो गाइस यहाँ पर यह है अपना गोरेगांव का पुलिस स्टेशन लेफ्ट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह गोरेगांव का पुलिस स्टेशन है और ये गोरेगांव का मार्केट है यानी पूरा एरिया। और यहाँ पर ये बस डेपो भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में अपने बस डेपो है गोरेगांव का। और ये कुछ ऐसा है गोरेगांव का मार्केट अपना, जिधर हम आए हैं व्लॉगिंग करने अपने सब्सक्राइबर्स को बताने कि हमारे गोरेगांव ऐसा है। तो गाइस अभी गोरेगांव का काम कंप्लीट हो चुका है, आपको भी गोरेगांव दिखाया मैंने, अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे, घर के रास्ते पे अभी अपन। तो गाइस आपको गोरेगांव कैसा लगा कमेंट में बताना, और ये गोरेगांव मुंबई वाला नहीं गोरेगांव रायगढ़ है, गोरेगांव रायगढ़ नहीं तो बोलेंगे मुंबई का गोरेगांव ने बताया, वैसा नहीं है गाइस। चलो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना अपना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते जाओ। वीडियो कैसी लगी आपको नांदवी टू गोरेगांव का टूर कॉमेंट में जरूर बताना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली जितने भी आपके कॉन्टेक्ट है फ्रेंड, शेयर करना लाइक करना शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ऑल करना। महीनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कंटेंट नहीं था मेरे पास और पेपर भी देना बीच में खुल के इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और ये अपनी स्कूटी इलेक्ट्रिक डबल सीट वापस से आ गई है जाके, 398 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हमारे, 400 किलोमीटर होने ही वाली है, वो इधर नॉर्मल चलाऊंगा तो हो जाएंगी। तो चलो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।